हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था श्री दूसर वैश्य शैक्षणिक मंडल द्वारा संचालित डीवी पब्लिक एंड कनिष्ठ महाविद्यालय हसनबाग रोड नंदनवन नागपुर के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट लाकर समाज और स्कूल का नाम शहर की प्रथम श्रेणी स्कूलों में शुमार कर दिया है। बच्चों और मुख्याध्यापिका सहित सारी शिक्षिकाओं के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप 10वीं में लगभग सभी छात्रों ने डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। प्रथम श्रेणी में आए हुए सानिया रामटेके, उज्मा परवीन खान, भूमिका वाडूरकर, सिरिन कौसर, मेहक फातिमा, इफ्रा फिरदोस आदि मेधावी छात्र छात्राओं का दूसर वैश्य शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव दीपक गुप्ता, कोषाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, डीवी पब्लिक स्कूल की मुख्याध्यापिका दुर्गा भदौरिया, नारायण नाखले द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने कहा, कोरोना कालावधि में ऑनलाइन पढ़ाई होने के बावजूद भी बोर्ड द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लेते हुए भी सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में आकर सफलता प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने सभी छात्रों का आभार माना। शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं दी एवं मेधावी छात्रा उज्मा प्रवीण खान की काफी सराहना की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा मानसून के दौरान भी सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध रूप रेल सेवा प्रदान करने हेतु प्री मानसून तैयारी के तहत मंडल द्वारा मानसून के दौरान गाड़ियों के पहिए को चलायमान रखने और निर्बाध रेल सेवा सुनिश्चित करने के लिए मंडल के सभी खंडों के रेल लाइन के आसपास जल भराव वाले स्थानों, बोल्डर स्खलन होने वाले पहाड़ों, पहाड़ों से आने वाली पानी की ड्रेनेज प्रणाली, साइड ड्रेन, पुलों में पानी निकासी के रास्तों आदि का गहन निरीक्षण कर योजनाबद्ध तरीके से रखरखाव कार्य किया जा रहा है। जल भराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी हेतु पाइप लगाए गए हैं। बोल्डर स्खलन होने वाले पहाड़ों के पास स्खलन को रोकने तथा पहाड़ों से आने वाले पानी के ड्रेनेज प्रणाली को पटरियों पर आने से रोकने हेतु ड्रेनेज को डाइवर्ट किए गए हैं और नालियों के आसपास सफाई कराई गई है तथा संबंधित रेल कर्मियों द्वारा रेल लाइनों के आसपास चरणबद्ध तरीके से गश्त लगाकर निर्बाध रूप से रेल सेवा प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मंडल के सभी संबंधित विभागों द्वारा मानसून पूर्व सावधानी के तहत समपार फाटकों, रेल पुलों, रेल पथों, संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों, ओएचई लाइन संबंध उपकरणों, सिग्नल प्रणाली आदि का सघन जांच कर आवश्यकतानुसार उनका अनुरक्षण किया गया है। नगर की शीर्ष तथा बड़ी पंचायत पूज्य घोटकी सिंधी पंचायत के चुनाव संत सतरामदास धर्मशाला जरीपट का नागपुर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी के रूप में अर्जुनदास आहूजा द्वारा नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सारे पदाधिकारियों के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष वलीराम सहजरामानी, उपाध्यक्ष शंकर भुजवानी, सचिव जीएनराम चोटरानी, सहसचिव नरेश खुशालानी, कोषाध्यक्ष गुरुमुख सचदेव, कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री चंद्रभान सेतिया, डॉक्टर परमानंद लहरवानी, मोहन गंगवानी, श्रीचंद चावला, नंदलाल टहलरामानी, ईश्वर भोजवानी, शंकर आहूजा, सत्यवान टिलवानी, मियलदास खेमानी, सुरेश कुमार गंगवानी, रमेश सज्जेव व वीरभान तुलसवानी। इस प्रकार कुल 17 लोगों की कार्यकारिणी समिति के चयन की घोषणा चुनाव अधिकारी अर्जुनदास आहूजा ने की। ऑडिटर के रूप में एडवोकेट कमल आहूजा का चयन किया गया। चुनाव अधिकारी के सहयोग के लिए सुखदेव भागचंदानी व मोहन गंगवानी द्वारा सहयोग किया गया। पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा पहले की तरह पंचायत की सलाहकार समिति की घोषणा की गई, जिसमें सभापति अर्जुनदास आहूजा व सदस्य सर्वश्री आवतराम चावला, निचलदास चावला, ओम प्रकाश बजाज, सुखदेव भागचंदानी, वीरेंद्र कुकरेजा व यश कुमार कृपलानी का समावेश है। सभी पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष वसंत श्री सन्मुखदास उदासी उपस्थित थे, उनका भी सत्कार शॉल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र रिद्धपुर में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रफुल्ल कात्रे ने विविध प्रकार के योगासनों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में रिद्धपुर केंद्र के सभी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी तथा चांदूर बाजार व रिद्धपुर के गणमान्य नागरिक एवं बच्चों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अमरावती जिला कार्यवाह महेश घणोकर, किशोर मेटे, मोहनराव देशपांडे, सिद्धार्थ कुमार, रितेश कुमार, राम मेटे सहित रिद्धपुर के केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश लेहकपुरे, सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र शंभरकर, सारंग विरुलकर, मयूर देशमुख, घनश्याम वाघमारे एवं प्रज्वल पंजाबी की उपस्थिति रही।
विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मानवता के लिए योग इस सूत्र वाक्य पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 27 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार 22 जून को लंदन की मूल निवासी तथा चंद्रमौली फाउंडेशन वाराणसी की सह संस्थापक प्रख्यात संस्कृत साधक डॉक्टर लूसी गेस्ट ने योग और प्राणायाम का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि नियमित प्राणायाम का अभ्यास मन को धोने का काम करता है, इससे मनुष्य के भीतर शांति का विस्तार होता है। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान नाड़ी शोधन, कपाल भारती और विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। इसी सत्र में योग विशेषज्ञ, योगिक विज्ञान, योग संस्कार संस्थान नागपुर के मुकुल गुरु ने जल नीति और जल धोती का अभ्यास कराया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गौरी शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, क्रीडा सचिव अनिकेत आंबेकर सहित अध्यापक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। योग सप्ताह के अंतर्गत 27 जून तक बौद्ध योग में विपश्यना विषय पर प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद, नाथपंथ एवं हठ योग विषय पर प्रोफेसर इष्टदेव सांस्कृत्यायन, श्रीमद् भगवद गीता में योग दर्शन की व्यापकता और संपूर्णता विषय पर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार राय के व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। बीजी श्रॉप गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज जरीपट का नागपुर में रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ के सौजन्य से एक नई पहचान उपक्रम केंद्र में अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र में सिंगर कंपनी की 25 सिलाई मशीन और पीको मशीन उपलब्ध है। प्रशिक्षण की कालावधि सर्टिफिकेट कोर्स की 3 माह और डिप्लोमा कोर्स की 6 माह है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ के गवर्नर डीजी रमेश मेहर ने की। समस्त पदाधिकारी तथा सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण विशेष रूप से उपस्थित थे। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी क्लब नागपुर नॉर्थ के आशु अम्बवानी, नंद टहल्यानी, विभा गजबीए, मनीषा मंघानी एवं सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के प्रधान सचिव एडवोकेट दिलीप दानी का समावेश है। आभार प्रदर्शन शाला की प्राचार्य चित्रा दौलतानी द्वारा किया गया। कुशल मंच संचालन सृष्टि मथरानी ने किया। रूबी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 17 और 18 जून को 2 दिवसीय किशोरवयीन लड़कियों के साथ समर कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्देश्य लड़कियों के रचनात्मक कौशल्य को सजाना, उनमें नेतृत्व गुण का विकास करना तथा महिलाओं और लड़कियों के जल्द व जबरन शादी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। उसी तरह मासिक पीरियड के दिनों में ली जाने वाली एहतियात, सामान्य ज्ञान आदि विषयों के बारे में जानकारी देना भी शामिल है। पहले दिन के पहले सत्र में रितिका ने लड़कियों को योगा कराया, क्राफ्ट की नई नई चीजें बनाना सिखाई। उसके बाद लड़कियों ने बहुत अलग अलग तरह के क्राफ्ट की चीजें बनाई, जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी सामने आई। उसके बाद संस्था की सदस्य पूर्णिमा ने चीट गेम शुरू किया, लड़कियों ने बहुत उत्साहित होकर भाग लिया। दूसरे सत्र में अंकिता ने लड़कियों को लाइफ स्किल ट्रेनिंग सिखाया, जिसमें उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा लड़कियां अपना टेंशन कैसे दूर कर सकती है इसके बारे में बताया। उसके बाद पायल और चांदनी ने आउटडोर गेम का आयोजन किया। दूसरे दिन के पहले सत्र में योगा और चित्रकला का सेशन दिया गया। लड़कियों ने बहुत उत्साहपूर्वक सभी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के स्थानीय केंद्र की श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर गेट नंबर 2 एम्प्रेस मॉल गांधी सागर नागपुर में इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य शील लोकनाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन नागपुर के अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रभु के निर्देशन पर रथ यात्रा की तैयारियों की एक बैठक इस्कॉन मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता इस्कॉन विदर्भ रीजन के जोनल सुपरवाइजर हर्षमूर्ति उर्फ हरि कीर्तन दास ने की। विश्व हिंदू परिषद नागपुर के पदाधिकारी पुरुषोत्तम रंगलानी एवं विशेष अतिथि प्रेम सामनानी एवं अमित जोतवानी मुख्य अतिथि रहे। इस्कॉन नागपुर प्रबंध समिति के प्रवीण सहनी उर्फ पराम करुणा दास ने अतिथियों का परिचय देने के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रबंध समिति के विशाल दास ने बताया कि कोरोना काल में 2 साल तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकली, लेकिन इस बार यह भव्य तरीके से होगी। जगन्नाथ जी के रथ ताल ध्वज का निर्माण शुरू हो चुका है। यह हरा, काला, लाल और पीला इन 4 रंगों के साथ विशेष तरीके से सजा होगा। विशाल प्रभु ने यह भी बताया कि रथयात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन मार्गदर्शन से इस वर्ष संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन देश भर में किया गया। इसके अंतर्गत स्थानीय पाचपावली स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में मंडल के शहर जोन के जोनल इंचार्ज किशन नागदेवे के मुख्य आतिथ्य में योग शिविर का आयोजन किया गया। योगाचार्य गोपाल केसवानी ने मिशन के अनुयायियों को योग से मिलने वाले स्वास्थ्य प्राप्ति व आनंदमय जीवन के लाभ बताते हुए एक घंटे तक स्वयं सहित सभी से योग के आसन करवाकर स्वास्थ्य लाभ दिया। सेवादल के क्षेत्रीय संचालक रोशनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ देकर किशन नागदेवी का सत्कार किया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा नागपुर ने योग एवं प्राणायाम के सेशन का आयोजन उपाध्यक्ष सीमा अग्रवाल के निवास पर किया गया। इस शिविर में योग प्रशिक्षक सोनिया अग्रवाल ने बहुत सरल एवं सुंदर ढंग से योग क्रिया की बारीकियों और उसके लाभ के विषय में मार्गदर्शन किया। अध्यक्षा सुषमा अग्रवाल ने कार्यक्रम का महत्व बताया। कार्यक्रम की संयोजिका अरुणा पंसारी ने की प्रस्तावना रखते हुए योग से संबंधित रोचक प्रश्न पूछे। संयोजिका किरण मखारिया ने आयोजन की सफलता हेतु प्रयास किया। आभार प्रदर्शन संस्था सचिव माया शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अंजू मंत्री सुमन मालू शीतल अग्रवाल निशा अग्रवाल ज्योति अग्रवाल कुसुम अग्रवाल किरण सराफ रजनी अग्रवाल शोभा चांडक गीता चांडक संतोष अग्रवाल खंडेलवाल आदि 40 महिलाओं ने योगाभ्यास किया। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की अनुमति के बगैर तथा दरबार की जानमाज जिस पर नमाज अदा की जाती है उस पर जमाल सिद्दीकी जुनैद खान छोटे खान एवं अन्य सहयोगियों ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एक राजनीतिक पार्टी के कुछ पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे। अपने राजनीतिक फायदे के लिए संबंधित लोगों ने दरगाह परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके चलते ताजाबाद परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। ताजाबाद ट्रस्ट के कार्यालय में दिन भर यह कार्यक्रम हुआ। इसके बारे में पदाधिकारियों से श्रद्धालुओं द्वारा जानकारी मांगी गई है। गुस्साए श्रद्धालुओं द्वारा नाराजगी जताई गई। साफ जाहिर है कि यह कार्यक्रम के आयोजकों का उद्देश्य सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था। संबंधित समुदायों के बीच शांति भंग करने की यह साजिश भी हो सकती है और शायद इसी नापाक इरादे से यह कार्यक्रम जबरन आयोजित किया गया। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई थी। अतः हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरपर्सन प्यारे खान ने ज्ञापन के जरिए पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन एवं अन्य अधिकारियों से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं है और उनकी पार्टी के नेता मुंबई में बैठक के दौरान राज्य में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। पटोले का बयान महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कई अन्य विधायकों के गुजरात के सूरत शहर एवं उसके बाद असम में गुवाहाटी में डेरा डालने के मद्देनजर आया है। गौरतलब है कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 6 में से 1 सीट पर हार मिलने के बाद सोमवार को झटका लगा था। शिवसेना राकापा और कांग्रेस में से प्रत्येक ने विधान परिषद की 10 सीट के लिए हुए चुनाव में दो दो उम्मीदवार उतारे थे लेकिन कांग्रेस के दलित प्रत्याशी चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा के सभी 5 उम्मीदवार जीते। पटोले ने मंगलवार को नागपुर में महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर आरोप लगाया कि यह देश में चल रही भाजपा की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा भाजपा केंद्र में उसके पास मौजूद ताकत का दुरुपयोग कर रही है और यह बात अब किसी से छुपी नहीं है। पहले तो मवेशी केवल सड़कों पर दिखाई देते थे लेकिन अब वे शहर के ओवरब्रिजों पर भी मिल जाएंगे जिससे प्रतिदिन हादसे की स्थिति निर्मित हो रही है। वाहन चालक परेशान है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा जानवर कब उनकी गाड़ी के नीचे कब आ जाए जिससे वे या उनके फैमिली सदस्य की जिंदगी खतरे में आ जाए। यह समस्या शहर में कई सालों से लगातार चली आ रही है। इसके निवारण के लिए मनपा के अधिकारी बैठकें भी कर चुके हैं। इसके लिए अलग से विभाग भी बनाया है जिसका काम आवारा मवेशियों को पकड़कर सड़कों से हटाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाना है लेकिन यह विभाग भी अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है क्योंकि सड़कों पर मुख्य बाजारों में हुजूम के रूप में दिखने वाले जानवर व्यवस्था की पोल खुद खोल देते हैं। मनपा की टीम द्वारा जहां इन मवेशियों को रखा जाता है वहां भी हाल बेहाल है। कम जगह में अधिक जानवर रखने से भी कई मुश्किलें पैदा होती है। कई स्थानीय निवासियों ने गौशाला बनाने का प्रस्ताव भी मनपा के समक्ष रखा है लेकिन फिलहाल इस मामले में अधिकारी या जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। पत्नी की बीमारी का ऑपरेशन कराने के लिए पैरोल के अवकाश के लिए सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे डॉन अरुण गवली द्वारा विभागीय आयुक्त के पास आवेदन किया गया था किंतु अर्जी ठुकराने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। इस पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश सानप ने याचिका स्वीकृत कर अरुण गवली को पैरोल की छुट्टियां देने के आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय है कि पत्नी का ऑपरेशन होने के कारण 45 दिन का पैरोल देने का अनुरोध करते हुए गवली ने विभागीय आयुक्त के पास आवेदन किया था, किंतु पैरोल देने से इनकार कर अर्जी ठुकरा दी गई, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मीर नागमन अली ने पैरवी की। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही वकील द्वारा बताया गया कि पैरोल देने से पहले प्रशासन की ओर से वहां की स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें पुलिस ने कानून और व्यवस्था बिगड़ने तथा गवाहों पर इसका विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पैरोल देने से इनकार किया। एकनाथ शिंदे द्वारा पार्टी से बगावत कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चाबंदी के खिलाफ बुधवार रात सिटी के कई शिवसैनिकों ने विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वास्तव में यह प्रदर्शन उद्धव ठाकरे के समर्थन में था। शिवसैनिकों ने एक स्वर में कहा कि भले ही पार्टी में कोई आए या जाए, हम उद्धव का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान शिवसैनिकों के हाथ में पार्टी का झंडा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीरों वाले बैनर भी थे। शिवसेना के शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने कहा कि मुंबई में जारी सारी उठापटक से साफ है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए पार्टी के सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी है। भले ही वे हिंदुत्व का दावा करते हुए हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अधर में छोड़कर भागे हैं, लेकिन हम मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक नागपुर हर शहर का हर शिवसैनिक अपनी आखिरी सांस तक पार्टी और ठाकरे के साथ नहीं छोड़ेगा। हमारे हर शिवसैनिक में बाला साहब का DNA है। हम जिएंगे भी उद्धव के लिए और मरेंगे भी तो उद्धव के लिए। शिंदे के कारण आज पार्टी पर बड़ी आफत आई है, लेकिन वे गलती कर गए। लोग याद कर रहे मुंडे का जनता दरबार। नागपुर महानगर पालिका में केवल कुछ ही समय के लिए आयुक्त के रूप में मुंडे का कार्यकाल रहा है। कम समय में अपनी कार्यशैली के अनुसार नियम और कानून का हवाला देकर कई लोगों के मसले हल किए। लोग आज भी याद कर रहे मुंडे के जनता दरबार को, किंतु अब समस्या को लेकर वर्तमान आयुक्त से मिलना भी मुश्किल हो गया। इस तरह की परेशानी महल स्थित तुलसीबाग रोड निवासी पुष्पा जागेश्वर उमाड़े ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पड़ोस में एक बिल्डर ने उनके फ्लैट स्कीम तक आने जाने के लिए सड़क बनाई, जिसके लिए उनका घर तोड़ा है, जबकि फ्लैट स्कीम पूरी तरह अवैध है। इस मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए तत्कालीन आयुक्त मुंडे को शिकायत दी थी। यदि निर्माण कार्य अवैध है तो जांच करने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया था, किंतु बाद में उनका तबादला हो गया और शिकायत ठंडे बस्ते में चली गई है। उन्होंने कहा कि बिल्डर ने मंजूर नक्शे के अलावा अतिरिक्त निर्माण कार्य किया है। दस्तावेजी सबूतों के साथ गांधीबाग जोनल कार्यालय में सहायक आयुक्त मनपा के नगर रचना विभाग और पुलिस विभाग से भी शिकायत की। जब 1967 में कट्टर हिंदुत्व और मराठी के अस्तित्व के आधार पर बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, तब यह कहा जाता था कि कोई शिवसैनिक गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन पहली बार 1991 में नागपुर में छगन भुजबल ने शीत सत्र के दौरान 9 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर उस मिथक को तोड़ दिया था। उस समय शिवसैनिक भड़क उठे थे, भुजबल की खोज शुरू कर दी गई थी और उनके बंगले में आग लगा दी गई थी। ठीक वही इतिहास सोमवार की देर रात एक बार फिर दोहराया गया है। अब भुजबल की जगह एकनाथ शिंदे है। उनके पार्टी से बगावत पर एक बार फिर शिवसैनिकों में रोष दिख रहा है। भुजबल ने नागपुर से बगावत की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे की बगावत का भी नागपुरी कनेक्शन है। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते भुजबल ने बगावत कर शिवसेना को पहला धक्का दिया था। उसके बाद कणकवली में राका कार्यकर्ता सत्यविजय भिसे मर्डर केस के बाद नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी। उन्हें लगा कि पार्टी का हाथ उनकी पीठ पर नहीं है। 2005 में 10 विधायकों के साथ वे कांग्रेस में चले गए। दोनों ही बागियों ने कांग्रेस में प्रवेश लिया था। राज्य में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे जारी रखा गया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 23 जून यानी आज प्रभाग के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची उजागर की जाएगी। मनपा मुख्यालय के साथ ही जोनल कार्यालयों में जनता के लिए यह खुली होगी। प्रारूप मतदाता सूची में प्रभाग के अनुसार नाम दर्ज है या नहीं, इसका अध्ययन कर मतदाता 1 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव दे सकेंगे, जिसके बाद 9 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची घोषित होने की जानकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के मनपा चुनाव में कुल 20,93,000 के करीब मतदाता थे, जबकि इस वर्ष 31 मई 2022 को निर्धारित की गई मतदाता सूची के अनुसार 22,93,000 मतदाता होंगे। इस तरह से 5 वर्ष में लगभग 2 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। पत्र परिषद में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन और सहायक आयुक्त महेश धामेचा उपस्थित थे। मतदाता सूची को लेकर जारी की गई जानकारी के अनुसार विधानसभा अनुसार 31 मई 2022 को तैयार की गई मूल मतदाता सूची के आधार पर ही संबंधित विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्रभागों की मतदाता सूची अलग अलग की गई है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर
प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,564 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 5,16,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 10 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 11,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे 9,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज। नमस्कार।